अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नगर सेविका पूनम पाटिल ने उपलब्ध कराया ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रभाग 106 के नागरिकों को कोरोना उपचार में मिलेगी बड़ी राहत। बेलापुर प्रभाग क्रमांक 106 की नगर सेविका पूनम मिथुन पाटिल ने कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 3 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए नगर सेविका पूनम पाटिल ने कहा कि बेलापुर में कोविड संक्रमण और कोरोना उपचार के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की कमी की खबरों से नागरिक भयभीत हैं, इसलिए हमने अपनी ओर से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं ताकि अर्जेंट जरूरत पड़ने पर नागरिकों को मदद मिल सके। उन्होंने नागरिकों से जरूरत होने पर तत्काल संपर्क करने की अपील की है। नमस्कार, आज नवी मुंबई क्षेत्र में हम देख रहे कि कोरोना पेशेंट की जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से सभी नागरिकों को हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना बहुत मुश्किल जा रहा है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन बेड्स जो नवी मुंबई क्षेत्र में बहुत कम है और उसके वजह से पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे। तो ऐसे कोरोना पेशेंट्स के लिए हमने हमारे प्रभाग में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल किए हैं कि जो भी बेलापुर सीबीडी क्षेत्र में कोरोना पेशेंट्स है वो अगर संपर्क करते हैं तो उनके घर में हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करके देंगे। तो इसका फायदा पेशेंट्स को होगा कि वो अपने घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है वो हमें संपर्क साध कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि नवी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 तक पहुंच गई है। 5,000 से अधिक एक्टिव मरीज हैं, जबकि उपचार की व्यवस्था बेहद कम है। ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कमी से कई मरीजों को एम्बुलेंस में ही रुकना पड़ा है। ऐसे में नगर सेविका पूनम पाटिल ने जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की पहल की है उससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। स्थानीय नागरिक भी इस इंतजाम पर राहत और आभार जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।